वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 3 पेपर 2017 के लिए और पेपर कोड जो है हमारा वो है 1405। ओके, अब टियर 3 बिल्कुल होने ही वाला है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, खूब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं और इम्प्रूव होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस पेपर के टॉपर्स कौन है। तो फर्स्ट पोजिशन जाती है पृथ्वीजीत दत्ता को, ये कोलकाता से हमारे स्टूडेंट हैं। जयता चौधरी सेकंड पोजीशन, शी इज अ स्टूडेंट फ्रॉम सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। और थर्ड पोजीशन पर है नूपुर पाती, ये भी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हमारे स्टूडेंट हैं। तीनों के तीनों स्टूडेंट्स इस बार वेस्ट बंगाल से हैं, सो वेरी गुड, हिप हिप हुर्रे। ओके, जो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा लिखकर भेज रहे हैं, और जो कलकत्ता साइड वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा लिखकर भेज रहे हैं। प्रोबेबली दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कूलिंग देयर। साउथ इंडिया के हैदराबाद साइड के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा लिखकर भेज रहे हैं। ओके, तो मैं चाहूंगी कि हर कोने से ही अच्छा लिखकर भेजें आप हमें। और पृथ्वीजीत दत्ता का स्कोर क्या है? इनका स्कोर है 73.5। ओके, ही हैज स्कोर 73.5। जयता हैज स्कोर 72.5 एंड फाइनली नूपुर पाती को मिले हैं 72 मार्क्स। ओके, सो दीज आर आर थ्री टॉपर्स एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू पृथ्वीजीत पेपर। ये पृथ्वीजीत का पेपर है, इनका रोल नंबर, एसएससी रोल नंबर, इनका पेपर कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। ओके, और अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ का पेपर। इनको मिले हैं 73.5 मार्क्स। इन्होंने लाइव टेस्ट अटेम्प्ट किया था। ओके, दीज आर द ब्रेकअप्स। रेलेवेंसी जो आप लिख रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड है। ये एक ऐसा टॉपिक था जो इस बार हमने दिया जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने इररेलेवेंट लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। आपको जो टॉपिक दिया गया था वो दिया गया था कि जो इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं दे हैव बीन इन फेवर ऑफ मेन। हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको बनाया ही इस तरह से गया है कि वो पुरुषों के फेवर में रहे हैं और महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा और विमेन एम्पावरमेंट के साथ आप कंफ्यूज हो गए। इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने की बजाय कि हमारे रीति रिवाज किस तरह से पुरुषों के फेवर में हैं, यू स्टार्टेड राइटिंग अबाउट व्हाट वी शुड डू, महिलाओं को और स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरी तरह से ही बिल्कुल अनकनेक्टेड था टॉपिक से, पर वो मेजर पार्ट ऑफ द ऐसे नहीं होना था। स्पेलिंग एंड ग्रामर में मैक्सिमम 5 मार्क्स, वर्ड लिमिट में 5, कंटेंट की क्वालिटी 8 नंबर, फॉर्मेट कि आपने क्लियरली विजिबल 5 पैराग्राफ्स बनाए हैं तो उसमें 5, लिखावट कैसी है उसके लिए 5 नंबर, इफेक्टिव सेंटेंसेस 7 नंबर और कोहेसिवनेस 5 नंबर। तो इनको ऐसे में टोटल 38 मिले हैं। सिमिलरली इधर इस तरफ अगर आप देखें तो लेटर के भी ब्रेकअप्स दिए गए हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड पृथ्वीजीत पेपर फॉर यू। इंडियन कस्टम एंड ट्रेडिशन हैव बीन इन फेवर ऑफ मेन, पेपर फ्रॉम लाइव टेस्ट। ओके, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन इज बींग ऑर्नामेंटेड ईच एंड एवरी टाइम। वेरियस इन्वेडर्स इन पास्ट, यहाँ पर इन द पास्ट होना चाहिए, इन द पास्ट, एंड पीपल ऑफ वेरियस क्रीड एंड कलर आर एनरिचिंग दिस, बट द इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन द इन्फ्लुएंस। आर द इंडियन कस्टम्स फुल्ली इंक्लाइंड टू मेन। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग जातियां हैं लोगों की, ये हमारे इन्फ्लुएंस डालते हैं, लेकिन जो पेट्रियार्कल इन्फ्लुएंस है वो सबसे स्ट्रांग है। वी कैन डेमोन्स्ट्रेट फ्यू एग्जाम्पल्स, ये इनका बहुत ही अच्छा पैराग्राफ था जहाँ पर इन्होंने बाकायदा एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरह से जो हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं वो पुरुषों के पक्ष में हैं। वी कैन डेमोन्स्ट्रेट फ्यू एग्जाम्पल्स। इन लॉज हाउस फॉर वेमेन आफ्टर मैरिज, हेड ऑफ द सोसाइटी चोजन द मोस्ट सीनियर पर्सन, मेल डोमिनेटेड फैमिली एंड बींग द ओनली अर्निंग मेंबर, वेमेन गेटिंग मैरिड आफ्टर अ सर्टेन एज डिस्पाइट शी हैज सम एम्बिशंस टू अचीव ऑल रिवील द फैक्ट। It is pretty unfortunate that women are still considered as taken for granted in many village areas. Still, they have to face physical torture owing to not meeting the dowry demand. Still, they are forced to stop studies after a certain age. All these are holding us back. तो इन्होंने काफ़ी सारे देखो एग्जाम्पल्स दिए कि कहाँ कहाँ ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज है, जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, वो पुरुषों के फेवर में बनाए गए हैं। इट इज ऑलवेज डार्क बिलो द कैंडल, दो वी टेक प्राइड इन आर रिच कल्चर, इट इज एक्चुअली वन
आइड। देखो आप में से बहुत लोग जो कहते हैं कि मैम इफेक्टिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, क्योंकि हाल ही में मैंने मेंटरशिप कॉल्स की तो आप में से बहुत लोगों ने कहा कि इफेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, इफेक्टिव सेंटेंसेस आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे इफेक्टिव सेंटेंसेस आपको पॉइंट आउट करूंगी। ये एक इफेक्टिव सेंटेंसेस है, साधारण सी बढ़िया सी भाषा में जो एक ऐसी बात जो आपके दिल को छू जाए। हम यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, इट इज ऑलवेज डार्क बिलो द कैंडल, ओके, but the ray of hope is that the scenario is changing now, more liberty and priorities given to women from the parents and in laws. Roosevelt once said women are like tea bags, you can't judge their talent unless you put them in hot water. Recent success in education, sports, administration by women prove the changed scenario. In the changed era of social theory, women are equally important in rituals and in response possibilities. Though they are physically weak than men, but they have another special weapon which is given here. The patriarchal society need to change vision to keep the pride of India's rich कल्चर, ओके? तो ये इनका ऐसे था जो इन्होंने बहुत अच्छा सा लिखा। वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर हमने ये टॉपिक दिया कि जो हमारे कस्टम ट्रेडिशंस हैं वो पुरुषों के फेवर में हैं, तो करीबन 5-7 लेटर्स और सॉरी पेपर्स हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, बल्कि पुरुषों के साथ तो पक्षपात हुआ है। और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि दिवाली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती जी की पूजा करते हैं, साल भर हम देवियों की ही तो पूजा करते हैं, जरा बताओ कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें कभी किसी मेल देवता की पूजा होती हो। I am not saying you cannot write such things. You can write such things. Definitely, आपको जो टॉपिक दिया है आप उसे डिसएग्री कर सकते करते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं और आप करते भी हैं, लेकिन yes, उस पॉइंट पर लिखने के लिए आपके पास उतना फिर सफिशियंट मटीरियल हो। कुछ एक ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई पक्षपात नहीं हुआ है, बस डिविजन ऑफ लेबर हुआ है कि पुरुष ऐसे करेगा और महिलाएं ऐसे करेंगी, तो इस तरह की भी ओपिनियंस आई हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके लेटर पर चलते हैं। लेटर में आपको ये दिया गया था कि आप अमित या अमिता हैं जो कि अमेरिका से वापस आए हैं, who has returned from America. You have to write a letter to your friend comparing both countries and experiences. आप अमेरिका में रहकर आए हैं, आप भारत आए हैं। इस पर भी कुछ लोगों ने बड़ा ही नेगेटिव लेटर लिखा कि ओ भारत में तो अभी भी इतना शोर मचा हुआ था कि स्वच्छ भारत चल रहा है, बहुत गंदगी है, एयरपोर्ट से निकलते ही मुझे गंदगी दिखाई दी, और इस तरह से नेगेटिव लिखा। अमेरिका में तो बहुत साफ सफाई है, अमेरिका में सब रूल्स को फॉलो करते हैं, अमेरिका में करप्शन नहीं है, तो इस तरह से कंपेयर किया। कुछ एक थे जिन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव पहलू देखा कि नहीं भारत बहुत बदल गया है, अब चारों तरफ मल्टीनेशनल कंपनीज नजर आती हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स नजर आती हैं, चौड़ी सड़कें नजर आती हैं, साफ सफाई भी बढ़ गई है, एयरपोर्ट तो जैसे पहचान में आ ही नहीं रहा था, तो इस तरह से भी लिया। कुछ लोगों ने कल्चरल एस्पेक्ट लिया, ओके, कल्चरल एस्पेक्ट में उन्होंने ये लिखा कि नहीं भारत में बहुत वैरायटी है, कपड़ों में हमारे बहुत वैरायटी है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, ओके। उसके साथ उन्होंने अमेरिका में जो अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जैसे अकेलापन हो गया, लोनलीनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये चीज़ें भारत में नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग पहलुओं से आपने कंपेयर किया और ये जो लेटर था अधिकतर लोगों ने अच्छा लिखा, ठीक है, क्योंकि इसमें सच कोई मैं ये नहीं कह सकती आप लोगों से कि आपने ये पॉइंट मिस कर दिया या वो पॉइंट मिस कर दिया, आपको जैसे लिखना था आपने लिखा। तो यहाँ एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस है, ये ABC नगर कोलकाता, यहाँ पर हमेशा सेंडर्स एड्रेस आता है। आप में से कुछ एक लोग ऐसे थे, 4-5 लोग जिन्होंने अमेरिका का एड्रेस लिख दिया, ऐसा नहीं करना था, आपको क्लियरली कहा गया था कि वो जो व्यक्ति है वो अमेरिका से वापस लौट चुका है। फिर यहाँ 14 जून 2018, आप में से काफ़ी लोगों ने मेंटरशिप कॉल में मुझसे ये भी पूछा कि मैम वो जो 150 वर्ड्स हैं लेटर के, क्या उसमें एड्रेसेस काउंट होंगे? ईच एंड एवरी बॉक्स दैट यू यूज विल बी काउंटेड, प्रत्येक बॉक्स, ये देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक आपके 7 वर्ड्स हो गए हैं, प्रत्येक शब्द जो आप चिट्ठी में लिखेंगे वो काउंट होगा, और याद रखना 140 to 150 के अंदर आपको ख़त्म कर देना है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। ये आगे कहते हैं, डियर XYZ, यू विल बी हैप्पी इनफ टू नो दैट आई हैव कंप्लीटेड माई PhD एंड रिटर्न टू इंडिया लास्ट सैटरडे। आई एम डाइंग टू मीट यू एंड शेयर माई एक्सपीरियंसेस। बीइंग इन दैट कंट्री फॉर द लॉन्ग ईयर्स, आई कैन कॉम्प्रिहेंड वाई आर नेशन इज स्टिल लैगिंग देम। बोथ द कंट्रीज हैव अ गल्फ ऑफ डिफरेंसेज इन कल्चर, लाइफ स्टाइल, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सुपरस्टिशंस आर स्टिल बॉटल
are still bottlenecked our society in remote areas. We are still fighting on trifle religious issues. Women are regularly facing mental and physical harassment. Moral conscience is such amicable among citizens in that country. Enormous opportunities for entrepreneurs and researchers are playing crucial role for their financial growth. They are even quite upgraded in sports department, but amidst all high pollution, frequent terror attacks, high honor killing are constant threat in that country, which is lesser here. Please do visit my place in ensuing weekend. I will prepare some special dishes and we will have a great time. So, इस तरह से इन्होंने खत्म किया, okay? और अब मैं आपके लिए इनके marks बता देती हूँ. Letter was not that great, but his essay was nice. तो letter में इनको मिले हैं 35.5 overall और essay में इनको मिलते हैं 38. Now let's move on to the second topper's paper. ठीक है, मैं उस पर आपको लेकर चलती हूँ और ये जयता चौधरी का paper है. जयता चौधरी, और मैंने एक चीज़ और notice की हम लोगों ने कि जो girls थी वो इस topic पर लिखते हुए कुछ ज़्यादा emotional हो गई, language काफ़ी ज़्यादा उनकी strong हो गई. तो देखो इन्होंने क्या लिखा है. ये कहती हैं, although in this 21st century there has been a laudable upliftment of women in society from being confined only to hearth and home to ruling the nation, one cannot deny the internal flow of patriarchal mindset in the society and Indian customs and traditions substantiate the fact. ये कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है और हमारे जो रीति रिवाज है वो बार बार हमें ये याद दिलाते हैं कि देखो तुम्हें प्रधान समाज में हो और ये पुरुषों के पक्ष में है. आगे कहती हैं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कंप्राइजिंग डिफरेंट रिलीजन्स कास्ट क्रीड्स विद देयर ओन कस्टम्स ट्रेडिशंस फेस्टिवल्स बिलीव्स एंड एनालाइजिंग दीज वन कैन सी मेजोरिटी ऑफ देम आर इन फेवर ऑफ मेन. भाई दूज रक्षाबंधन आर सेलिब्रेटेड फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ द ब्रदर. क्लियरली इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए और कहा कि सारे जो हम त्यौहार मनाते हैं ये भाई के लिए है, ये पति के लिए है, इस तरह से हम मनाते हैं. तो भाई दूज रक्षाबंधन आर सेलिब्रेटेड फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ ब्रदर. इन करवा चौथ मैरिड वुमेन वर्शिप इन द नेम ऑफ देयर हस्बैंड्स. इन मैरिज सेरेमोनीज ब्राइड्स हैव टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम ब्राइड ग्रूम्स इन मेनी रिमोट एरियाज वॉशिंग हस्बैंड्स फीट विद वॉटर एंड देन ड्रिंकिंग that is still prevalent and is considered auspicious. There are numerous such examples which can be found in various cultures across India. Hardly can there be found any custom dedicated to only woman. कोई भी ऐसा रिवाज आपको नहीं मिलेगा कि ये महिला के लिए हो रहा है. Ignorance of girl child and male chauvinistic attitude of society gave rise to such practices for the welfare of men and traditionally it has been practiced till date. फिर आगे ये कहती हैं, people's skeptical mindset about unfortune if not celebrated these customs. यहाँ sentence structure जो है हमारा थोड़ा गड़बड़ था, restrains them to welcome a change. लेकिन ये line बहुत अच्छी है. Actually कहना चाह रही हैं कि हमें हमेशा डर होता है कि कुछ अशुभ ना हो जाए, इसलिए हम इन रीति रिवाजों को बदलते नहीं हैं. Today in almost every field women walk shoulder to shoulder along with men folk and bring laurels to the country. In such they are equally eligible to get worshipped and subjected to equal importance in Indian customs and traditions. The change in mindset is the key to it. Okay, तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखकर भेजा है, तो मैंने आपका सारे का सारा आपके लिए पढ़ दिया. बहुत अच्छे examples इन्होंने दिए, शब्दों का बिल्कुल सही चयन किया. और अब हम चलते हैं नूपुर पाती के पेपर पर. This is नूपुर पाती's paper. Okay, and in नूपुर पाती's paper आप क्या देखेंगे, इन्होंने भी एक तो लाइव टेस्ट में अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल एक घंटे में जैसे लिखकर भेजना है वैसे भेजा है. ओके, नंबर वन. और नंबर टू, अगर इन्होंने वर्ड लिमिट नहीं एक्सीड किया होता, क्योंकि वर्ड लिमिट इन्होंने काफी एक्सीड कर दिया, ओके, इसलिए इनको पेनलाइज किया गया. इन्होंने 290 वर्ड्स में अपना ऐसे लिख दिया, जिस वजह से इनको 5 में से केवल 2 नंबर मिले वर्ड लिमिट में. अगर इन्होंने वर्ड लिमिट नहीं एक्सीड किया होता तो इनका जो ऐसे है वो हाइएस्ट स्कोरिंग ऐसे होता. ओके, तो अब मैं इनका ऐसे पढ़ूंगी और आप बहुत बार देखेंगे कि इन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं और इन्होंने जिस तरह से रिलेट किया है टॉपिक के साथ, दैट्स वेरी नाइस. शी सेज,
She makes the world bright, but still struggles to see light. While remaining in the womb of her mother, a girl faces discrimination. Then what can we expect our Indian custom and traditions to glorify her over her male counterpart? तो बहुत ही अच्छी beginning. और अगर आपको पता हो तो हमारे 16 संस्कार होते हैं, okay? उसमें गर्भ धारण भी एक संस्कार होता है, बिल्कुल. जब कोई बच्चा कंसीव किया जाता है तब से लेकर काफी सारे संस्कार होते हैं. गर्भ धारण होता है, एक बच्चे को जब अन्न खिलाया जाता है तब होता है, एक बच्चा जब पहली बार चलता है तब होता है, उसके बाद जब वो जनेऊ वगैरह पहनता है या शायद स्कूल जाता है तब होता है. तो इस तरह से काफी सारे होते हैं. तो जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो प्रार्थना की जाती है बाकायदा भगवान से, और कहा जाता है कि भगवान इनको एक स्वस्थ पुत्र देना. ठीक है, पुत्री की प्रार्थना तो बिल्कुल भी नहीं, एक स्वस्थ पुत्र की प्रार्थना की जाती है. तो सारा जो भेदभाव है वहीं से शुरू हो जाता है. ठीक है, आगे ये कहती है, द आंसर लाइज इन आर साइलेंस. हम खामोश हैं. इवन अकॉर्डिंग टू आर माइथोलॉजीज, अगर हम अपनी माइथोलॉजिकल बुक्स वगैरह पढ़े, अपने एपिक्स पढ़े, सीता फ्रॉम द रामायण हैड टू सैक्रिफाइस हर लाइफ इन द फायर टू प्रूव हर वर्जिनिटी. यहां पर वर्जिनिटी राइट वर्ड नहीं है, चेस्टिटी इज गोइंग टू बी द राइट वर्ड. ओके, सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जबकि हम सीता जैसे को बिल्कुल आइडियल मानते हैं. बिफोर हर ओन हस्बैंड, एंड शी डिड दिस बिफोर हर ओन हस्बैंड, द्रौपदी हैड बीन अनड्रेस्ड बाय पांडवास, लॉस्ट हर अगेंस्ट कौरवास एज डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत. ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था ये वीक था. हाउएवर द सागा कंटिन्यूज इवन इन द प्रेजेंट मेल डोमिनेंट सोसाइटी, फ्रॉम फेवरिंग अ बॉय चाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्लैन एंड लुकिंग आफ्टर इन ओल्ड एज टू अर्निंग हेफ्टी सम थ्रू देयर मैरिजेस आर ऑलवेज देयर इन इंडियन customs. Even after being worshipped as goddesses, these girls are considered as burden to their parents since they are thought of others' property. Although our male chauvinists have decided that even acting as priest, working outside for earning bread, or getting freedom in proper access to adequate food, education and security are also restricted through our customs but are opened for the males. आगे ये कहती हैं, not even this, men are entitled to have upanayans, visiting pilgrimages, praying namaz in masjids, that is mosques, whereas women are considered an inferior type of man or machines for producing children. So here no Hindi translation, okay? बच्चे पैदा करने की मशीन, उसका ये translation था. Moreover, the scenario has been changing slowly yet steadily. Through women empowerment and their growing self-confidence and economic independence, yet it's still women who turns into a widow after her husband's death, but not the other one. India still has miles to go to break its age-old customs and traditions, which are particularly in favor of men. And as long as our deep-rooted patriarchy goes through a significant transformation, no laws or regulations can change the disparaging condition of women suppressing men. तो उसके साथ इन्होंने खत्म किया और इन्होंने कहा कि हमारे सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करना होगा. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब चीजें कामयाब नहीं होंगी जब तक कि सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं होगा. ओके, सो दैट वॉज हर एसे. एंड नाउ लेट मी मूव ऑन टू हर लेटर. This is her letter, 9/A/13 PQR Lane, XYZ Colony, Kolkata, 14th June 2018. My dear ABC, it's been a long time since I heard from you. I too came to India permanently last week, only after staying there in America for the past 10 years. You won't believe how much I missed India and its versatile people. Although I made a number of friends there, but I missed the spark, uniqueness and caring gesture of you all among them. अच्छा, ये mistake भी आप लोग बहुत करते हैं, you all मत लिखा करो, all of you लिखा करो, ये correct होता है. Okay, all of you among them. Yes, they were courteous and polite in manners, but the humbleness of we Indians were missing in them. But I am very much attracted towards their development, processes of their citizens, environment and overall economy, which our country should certainly learn from. But amidst all these, I missed my culture, tradition, rituals and obviously Kolkata's Durga Puja behind the Xmas and New Year Eve. Besides the Xmas and New Year Eve. However, I certainly wish to go there again for a vacation sometime in future. Anyways,
वी कैन वेयर आर वॉट आर यू डूइंग दिस वीकेंड आई हैव अ लॉट येट टू से लेट्स मीट डियर आई हैव बीन मिसिंग यू सिंस लॉन्ग योर लविंग फ्रेंड अमिता एंड हियर ऑल्सो शी हैज एक्सीडेड द वर्ड लिमिट दैट्स वाई हर मार्क्स वर डिडक्टेड अदरवाइज वेरी नाइस पेपर शी हैज सेंट टू अस. ये है प्रभाकर पांडे. प्रभाकर पांडे हिंदी मीडियम में हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ये हिंदी मीडियम के टॉपर हैं. तो अब मैं इन्होंने भी लाइव टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो मैं अब इन आपके लिए इनका ऐसे पढ़ती हूँ. यत्र यहाँ पर ये एक हिंदी में है, ये एक कोट दिया गया है जिसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं. पूजयन्ते रमन्ते तंत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं. परंतु क्या सती प्रथा तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयाँ एक स्त्री को पूजनीय स्थान पर बैठाती हैं? क्या तीन तलाक जैसी चीजें नारी को उसका सम्मान दिलाती हैं? भ्रूण हत्या तथा स्त्री को पराया धन समझना जैसी कुत्सित सोच आज भी भारत में पुरुष प्रधान समाज को ही पालित पोषित करती हैं. बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन, इनको एक स्टार दिया जाए. भारत सभी धर्मों के एक समन्वय के रूप में देखा जाता है जहां अनेक संस्कृतियां तथा इसके बाद ये कहता है कि जहां अनेक संस्कृतियां तथा प्रथाएं विद्यमान हैं, परंतु दुर्भाग्यवश सभी ने पुरुषों को ही प्राथमिकता दी है. क्या ये टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं? बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं. आगे कहते हैं स्त्री पुरुष की संपत्ति है जैसी सोच वर्षों से फलफूल रही है. और यहां पर ये चाहते तो द्रौपदी को किस तरह से जुए में हारा गया था उसका उदाहरण दे सकते थे. समाज सुधारकों ने कुछ प्रथाओं पर रोक लगाने में कामयाबी अवश्य पाई, परंतु पुरुष प्रधान सोच समाज में अभी भी ये सारी चीजें हैं. लड़की केवल घर का काम करने के लिए होती है, यह विचार आज भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है. यदि हम इतिहास सूक्ष्मता से देखें और वर्तमान परिदृश्य को सम्मिलित करें तो स्त्री की दशा, आगे ये कहते हैं, तो स्त्री की जो दशा है उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य दिखता है. परंतु तमाम रीति रिवाज तथा परंपराएं पुरुषों के ही पक्ष में हैं. नारी सशक्तिकरण की तरफ कदम और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है. समस्या पुरुष प्रधान समाज होने से ही नहीं है बल्कि पुरुषों के पक्ष में होने से भी है. यदि समाज पुरुष प्रधान है तो पुरुषों के नारी के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा समाज पतन की ओर ही अग्रसर होगा. एवं एक स्त्री का सम्मान समाज की जिम्मेदारी है. तो इन्होंने वर्ड्स कितने यूज किए हैं? 259. पर इनके ऐसे में एग्जाम्पल्स कम थे. ओके, एग्जाम्पल्स कम थे इसलिए ओवरऑल इन्होंने वैसे अच्छा लिखा है. और अब मैं लेती हूँ इनका लेटर. अबस कॉलोनी क ख ग नगर उत्तर प्रदेश 14 जून. प्यारे दोस्त, कैसे हो? मैं ये पत्र अत्यधिक खुशी के साथ लिख रहा हूँ कि मैं 10 वर्षों बाद अमेरिका से आज भारत लौटा. तुमने कहा था कि जब आना तो मुझे भी बताना कि अमेरिका भारत से अलग किस तरह है. दोस्त, वहाँ की संस्कृति भारत से बिल्कुल अलग है, परंतु प्रेम का भाव दोनों जगह समान है. हाँ, वहाँ स्वच्छता ज़्यादा है और बेरोजगारी कम, परंतु हमारे भारतवासी जो अमेरिका में रहते हैं वहाँ अपनेपन का एहसास बनाए रखते हैं. मैंने वहाँ एक कंपनी में 10 साल तक नौकरी की और अब वह अनुभव यहाँ भारत में लगाना चाहता हूँ. कुल मिलाकर मुझे एक अच्छा अनुभव मिला और भारत भी अमेरिका की तरह एक विकसित देश बन सकता है. मुझे तुमसे मैं तुमसे घर आकर मिलूंगा. अपना ख्याल रखना, तुम्हारा दोस्त अमित. ओके, तो ये इन्होंने लिखकर भेजा है. This is Vineet Kumar's paper, okay? This is Vineet Kumar's paper, and in Vineet Kumar's paper, there were certain sections which were very nice, and I'm going to read them for you, okay? Now, I want you to note the sentences and the kind of language he uses, so that you exactly know what are effective sentences. Basically, effective sentences का मतलब क्या है? कि आपने जो शब्दों का चयन किया है, वो कैसा है? आपकी vocabulary कैसी है? ठीक है? ये कहते हैं, traditionally, men have been associated with someone providing a background support, although indispensable to traditionally women have been associated with someone providing a background support, although indispensable to their men. India has had a history of thousands of years. Earlier, kingdoms were ruled by predominantly men. Despite evolution of so many years, our mindset has calcified towards subservience. Kitni badhiya line hai ye, dekho. Calcified towards subservience of women. The male domination has pervaded into several
several aspects of our lives like general living and our customs. Dowry system, where women are expected to bring cash, jewelry and other costly items, is just one example. Self-styled village courts, khap panchayats, are also male-dominated. In marriage ceremony, men first initiate the seven sacred circles and later women do. Also, it is women who leave their parental home in marriages, and the mantra chanting priest is also a man. आगे कहते हैं, even in Muslim community, pronouncing talaq has been the prerogative of men. And this list highlighting male domination goes on and on. Okay? तो ये इन्होंने लिखा, और अगर आप देखें, तो इन्होंने जो examples वगैरह दिए हैं, बहुत अच्छे, very very nice. This is Sudha Chandran Mishra, and Sudha Chandran Mishra also makes very nice sentences. Okay? Now I am going to take a certain section of his paper. इन्होंने भी live test दिया. लाइव टेस्ट से हमने लिया है. ये कहते हैं, वी आर बट द प्रोडक्ट ऑफ आर ट्रेडिशन एंड कस्टम. हम हैं ही क्या, जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन्हीं का तो हम प्रोडक्ट हैं. ओके, आई एम गोइंग टू, मैं इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही ले रही हूँ. ओके, पूरा ऐसे आपका पढ़ूंगी आपके लिए इनका. वी आर बट द प्रोडक्ट ऑफ आर ट्रेडिशन एंड कस्टम. आर ट्रेडिशन इज अ रिच वन, बट आर ट्रेडिशन इज अ रिच वन, बट वन कैन आर्ग्यू दैट आर प्रैक्टिसेस, उसके बाद ये कहते हैं, बट आर प्रैक्टिसेस इनक्लाइंस टुवर्ड्स फेवरिंग अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. Okay, our holy books like Vedas and Purans have always treated women as secondary to the opposite gender. Traditionally, women are looked upon as the weaker sex. उसके बाद ये कहते हैं, और एक मिनट, traditionally women are looked upon as the weaker sex. It is even mentioned in the scriptures that the role of a woman is that of a nurturer, while man is supposed to be the provider and protector. Take for example the concept of marriage. The woman is supposed to leave her paternal home, start a new life with her husband's home. She is also expected to change her surname according to that of her husband and bring with her a substantial amount of dowry. Our customs allows men to be outgoing and pursue life with a sense of extroversion without any inhibition. देखो कितनी खूबसूरत है ये लाइन कि हमारे जो पुरुष हैं उनको प्रेरित किया जाता है कि आप समाज में जाओ और एक्सप्लोर करो. But a woman is colored a harlot if she appears friendly. Our society considers shyness a virtue in women. What a beautiful sentence. However, things are changing for good. Earlier, women had to immolate herself in the pyre along with her dead husband. Education was considered as taboo for women, while men were writing their own future. A woman, as per our society, is virtuous if she is a good wife and a good mother. Okay, while a man's virtue is measured by his dominance over his wife. Although Sita is portrayed as docile, yet a war was waged and a demon defeated because of her. So women have defied custom and emerged to shape the course of history. It is true both for mythology and today's society as well. This is Bhavan Chand Bathula's paper. Okay, Bhavan Chand Bathula जो है ये हमारे student हैं गुंटूर से, और इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, तो इनका जो essay है वो मैं आपके लिए ले रही हूँ. Customs and traditions of a society reflect the beliefs which are widely accepted in that society. Indian society was a patriarchal society. Consequently, Indian tradition and customs were developed based on the accepted beliefs of patriarchal society. Like importance being given to men in the family, restrictions on women, etc. Although Vedic age is known for its liberal ideologies and its examples on the importance of women development of a rigid caste system changed woman's role in later Vedic age. Hence, Indian customs and traditions still carry a tinge of patriarchy. Women are suppressed in higher caste because rich families don't need the income generated by women. See what a nice line and what a nice example. So, as long as caste system is present in India, men are favored by tradition and customs. 19th century movements to liberate women like abolition of sati, widowry, marriage are simply movements against prevalent customs. Even today, women are not allowed in the burial grounds, in temples during menstrual cycles, etc.
All these indicate customs that are restrictive of women. Female infanticide, adverse sex ratio are the practical reflections of deep-rooted belief system developed by customs and traditions. Yes, जो हम इतना गलत अपना screwed up sex ratio वगैरह देखते हैं, ये किसकी देन है? Yes, patriarchal system की देन है. Partiality in providing education, nutrition to a girl child shows the belief that a boy is more powerful. Okay? उसके बाद ये कहते हैं कि honor killing, blaming the victim of rape reflects the mindset formed through India. Customs. The statement by the prime accused of Nirbhaya's case that women not following Indian tradition can be raped reflects the mindset formed from custom and traditions that are regressive. ठीक है? तो ये इन्होंने लिखकर भेजा है और अगर आप conclusion वगैरह और ये सारी चीजें देखें तो आपको realize होगा कि इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा लिखकर भेजा है. Okay? खैर एनीवे इनका कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ. आईएमएफ चीफ क्रिस्टीना लगार्ड्स स्टेटमेंट दैट इंडियाज जीडीपी कैन यहाँ पर कुछ मिसिंग है कैन डैश बाय 27% इफ वुमेन आर इंक्लूडेड इन द वर्कफोर्स इंडिकेट्स दैट इंडिया स्टिल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ वुमेन. ठीक है, तो ये इन्होंने लिखकर भेजा है और बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखकर भेजा है जो मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये है करण चौधरी का पेपर और करण चौधरी जो है ये हमारे स्टूडेंट हैं कनॉट प्लेस दिल्ली से. ओके, कनॉट प्लेस दिल्ली से हमारे स्टूडेंट हैं और मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ इनका ऐसे. Customs and traditions are a result of long periods of human relations which are forged over a period of time. Our culture is patriarchal, hence customs and traditions are dominated by males in the society. They relegated to themselves important functions of the society. In our known history, we can see males holding positions of power, example the king, the prime minister, the president, etc. A part of this domination was possible because of physical superiority that males enjoy over females, and a part is due to women accepting their fate without any retaliation. All this resulted in unfavorable conditions in political, social, economic terms for women. Social issues like child marriage, dowry, widow remarriage, sati in ancient times, medieval and pre-medieval India, and discrimination have plagued their development. देखो कितना अच्छा इन्होंने ये पैराग्राफ बनाया है. Economic dependence on male counterparts makes them financially dependent. In families, women, education, nutrition, and rights are superseded by males. This results in lack of employment opportunities and illiteracy. It can be corroborated by the fact that male literacy in India is at 82% and females stand at 64%. There is a need to restore gender balance and equality. In independent India, several legislations have been made like Child Marriage Act, Equal Remuneration Act, Equal Wages Act, Anti-Dowry Law, etc. But still inequality persists in the society. Okay? The need of the moment is better implementation of laws, encourage gender budgeting, empowering women through self-help groups, etc. Recently, government has also taken various steps like Beti Bachao, Beti Padhao, Sukanya Samriddhi Yojana, etc. Okay, so finally, सरकार भी क्या कर रही है? वो सारी चीजें जो हैं, इन्होंने यहाँ पर mention की हैं. और ये आज के वीडियो का लास्ट पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं एक हिंदी का लेटर आपके लिए शेयर कर रही हूँ और लिखने वाले जो हैं इनका नाम है भगवत शरण समाधिया. ओके, और ये हमें लिखकर भेजते हैं अपना पेपर हिंदी मीडियम में और स्टूडेंट हैं ये ग्वालियर से. तो इनका जो लेटर है आपके लिए पढ़ रही हूँ. ओके, 316/4 कौशल नगर घाटमपुर इंदौर, और यहाँ पर ये फेक एड्रेस होना चाहिए था जैसा कि हम हमेशा कहते हैं इसमें क ख ग अ ब सा कुछ होता. दिनांक 26 मई 2018. प्रिय मित्र नमस्कार, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ. मैं गत सप्ताह ही 10 वर्षों के बाद अमरीका से भारत वापस आया हूँ. इनके लिए पूर्ण विराम लगाया है जो इवेल्युएटर है उन्होंने, तो आप पूर्ण विराम का प्रयोग करें. तो मैंने अपने अनुभव तुम्हारे साथ साझा करने का विचार किया. फिर ये कहते हैं
कि अमेरिका विकसित राष्ट्र है, स्वाभाविकता वहाँ चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताएं अपेक्षाकृत बहुत बेहतर हैं। भारत की तुलना में अमेरिका का पुलिस प्रशासन अधिक क्षमतावान व सौहार्दपूर्ण है। अमेरिका की स्वच्छता प्रणाली वहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। हालांकि भारत में भी स्वच्छता अभियान से काफी सुधार हुआ है, इस सब के बावजूद वहाँ अपनेपन का अभाव है। भाईचारा, बंधुत्व जैसी भावनाएं भारत में ही अनुभव होती हैं। कश्मीर की सुंदरता, ताजमहल की मनोरम छवि हमेशा मुझे आकर्षित करती रही। शेष चर्चाएं मिलने पर करेंगे। माता पिता को प्रणाम व छोटू को प्यार, तुम्हारा मित्र अमित। ओके, तो ये हमारे आज के इस वीडियो का आखिरी पेपर था और अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इफेक्टिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स किस तरह के सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से लिखते रहेंगे, हमें भेजते रहेंगे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत भी बहुत तरक्की करे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।